लाइन और पदों को बॉर्डर पर लिखी हुई, तो बड़ी खतरनाक लाइन है। रोमांस समझते हो ना, रोमांस। उन्होंने कहा प्यारा ऐसा करना चाहोगे? मैंने कहा हाँ जी करना चाहूंगा। अच्छा कॉल आया था जी, वो मेरा चयन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में हुआ है। अच्छा आप तो मिठाई भी लेके आए थे ना? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मैं मौजूद अभी नोएडा में। ये देखिए RWA सम्मान समारोह जो भर्ती होता है आर्मी का, ये सारे कैंडिडेट जी यहाँ पे आए हैं वो सिलेक्टेड हैं। आप लोग को मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा जो NA में सिलेक्टेड हैं और वो बहुत अच्छे से आप लोग को बताएंगे। मैंने तैयारी की थी क्योंकि NA परमानेंट जॉब है, बेसब्री से इंतजार होता रहता है कि NA का आखिर तैयारी में कैसे करें, उसकी कैसी क्या होता है, क्या रिटर्न का मार्क्स जुटता है या फिजिकल का मार्क्स जुटता है, कैसे उसकी मेरिट बनती है, सारा कुछ एक प्रोसेस से बताएंगे। भाई ने मेडिकल कैसा हुआ NA का, तो आप लोग खबर को देखें। और यहाँ जो जितने भी कैंडिडेट आए थे ना, सबका सम्मान समारोह था जो सिलेक्टेड हैं GD ट्रीटमेंट टेक्निकल NA सब में। तो आइए थोड़ा सा दिखाते हैं, सारे सर थे अभी, पूरी कार्यक्रम को मैं कवर किया हूँ, आप लोग इसे अंत तक देखें। यहाँ पे मोटिवेशन एक तरह से दिए हैं, तैयारी कैसे किए थे, अपना अपना सबने ओपिनियन दिए कि मैंने स्ट्रगल कितना किए हैं, सारे कुछ आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। बट आप लोग अंत तक जरूर देखें, अगर कुछ डाउट है तो मेरे से पूछें, इंटरव्यू जरूर आएगा, आप लोग उसे देखें। पर गुरु करे सब होए सातो दीपानो खंड में। अब सेलेक्ट होके कैसा लगा, कैसी फीलिंग्स आपके हैं कि भाई हम सेलेक्ट हो गए? अच्छा बयान नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोशिश करना कि सभी लोग अपनी तैयारी बताएं, मतलब आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे मुश्किल हालातों से निकले, क्योंकि आप जब भी तैयारी कर रहे होते हैं ना तो हमेशा ऐसा तो है नहीं कि आसानी से तैयारी हो जाती है, या हो जाती है बहुत आराम से, मुश्किलें आती हैं। तो वो मुश्किलें हम रिकॉर्ड करेंगे और बच्चों को ये दिखाएंगे कि देखो भाई अगर ये मुश्किलों से निकल के यहाँ तक आ सकते हैं तो निकल के आप भी जा सकते हो, इसके लिए हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एक बार टीचर्स की सुन लेते हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जैसे आपको देख के टीचर्स को अच्छा लगता है, वैसे ही सच बताऊं तो हम लोगों को भी आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको हमें कैमरे पे देख भी लेते हो, हम तो देख भी नहीं पाते भाई, बस आपके कमेंट पढ़ते रहते हैं। कुछ अच्छे कमेंट होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें लताड़ते हो, कुछ बुरे कमेंट होते हैं है ना, कहते हो कि भाई इस टीचर का समझ नहीं आ रहा, उस टीचर का समझ नहीं आ रहा। तो कभी भी जब आप टीचर की तारीफ करते हो तो आप पे प्यार भी आता है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुस्सा सा भी आता है, तो वही सारी चीजें बस हम तो नाम से देख पाते हैं, फेस तो आपका देख नहीं पाते। मेरे पास फिलहाल ऐसे कोई शब्द तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये सफलता है ना, एक दिन की मोहताज तो थी नहीं। और जिन लोगों को लगता है कि आप सफल हुए, सिर्फ आप सफल नहीं हुए, किसे किसे लग रहा है कि सिर्फ आप सफल हो, नहीं। जो सुबह एक माँ उठती है ना इस उम्मीद के साथ में कि कल बच्चा मेरा कामयाब हो जाएगा, मैं अपनी सफलता उस बच्चे में देखूँ तो सफलता वो है, सफलता उस बहन के लिए, बहन इंतजार कर रही है कि मेरा भाई कामयाब हो जाएगा, कल वक्त में आएगा। तो जब आप ट्रेन पर जाएंगे तो पूजा होती है ना, होती है, तो वो चीजें है ना लाइफ में एक कह सकते हैं यादगार पल होते हैं। और रही बात ये कि भाई पढ़ाने की, टीचर्स का बहुत सारा योगदान हो सकता है, लेकिन ये योगदान सिर्फ और सिर्फ आपसे बेहतर नहीं हो सकता। हम लोग लगे रहते हैं साल भर आपके साथ में, लेकिन कुछ ही पल ऐसे होते हैं कि जब हम और आप सामने होते हैं, जैसे कि सर ने कहा ना कि हमें तो आप रोज देख रहे होते हैं और हमें इंतजार था वास्तव में आप लोगों को। और भाई मैं तो अभी इन शब्दों के साथ में केवल इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने बहुत बात ये सुना है कि वो बंदा कामयाब हो गया, सफल हो गया और उसमें चेंज हो गया, बस एक चीज का याद रखना, मैंने सुना भी है पद मिलने के बाद में है ना व्यक्ति उस पद की गरिमा भूल जाता है, बस इस पद की गरिमा को मत भूलना। ये जो पद मिला है बहुत बहुत मुश्किलों के बाद में आप तक पहुंचा है, क्योंकि लाखों की भीड़ से निकल के आप हजारों या सैकड़ों की भीड़ में आए हैं, ठीक है ना। आप किसी पद पर भी पहुंचे, और ये अग्निवीर नहीं है, ये मत समझना कि 4 साल या फिर 15 साल। सभी को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अपने सिलेक्शन पे। असल में तो तैयारी जब कर रहे होगे तो सुबह का उठना, रात को लेट सोना, हर तरीके की तकलीफ तुमने झेली हो। ये कहूंगा कि भाई जब ये ट्रेनिंग होगी ना आपकी तो खुद एंजॉय कर, पूरा एंजॉय। पुशअप्स लगाने हैं तो भाई तसल्ली से पुशअप्स लगाने, रनिंग होगी तो फिर तसल्ली से रनिंग, तो भाई फिर तो सर से पुशअप भी लगवा दिए जाए। आम भी तो हो।
pushpa 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 raj pushpa 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 raj pushpa 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 raj इसी तरीके से मौका मिलते ही रनिंग तो रनिंग पुशअप्स तो पुशअप्स तसल्ली से लगाना पहले तो जरूर शुभकामनाएं आप लोगों ने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी उम्मीद आप लोगों से ज्यादा आपके पेरेंट्स को थी या नहीं थी थी ना सुस्त कैसे बैठे हो आप लोग अच्छा मुझे देख रहे हो कि मैं सुस्त हूँ है देखिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम आप लोगों को सामने है आप लोग सेलेक्ट हैं लेकिन अभी सर बता रहे थे कि आप लोगों की सिलेक्शन का जो इंतजार रहता है वो आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को रहता है और साथ के साथ किसी और को भी रहता है वादा किया किसी से सिलेक्शन होगा तेरा हाथ मांगने आऊंगा नहीं किया या तो झूठ बोलो या फिर बहुत सीख बोलो है ना देखो ना हमारे वाले ये कहो हम आर्मी वाले हमारा वादा केवल भारत माता से था चलिए तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका वादा भारत माता से है और भारत माँ की सेवा में आप लोग जाना चाह रहे हैं सौभाग्य की बात है हर किसी को शायद सौभाग्य नहीं मिलता और मैं तो पिछले प्रोग्राम में भी यही बोलना था कि सेना के किसी भी हिस्से के लिए तुम्हारा सिलेक्शन होना वो सबसे बड़ी बात है नौकरी होती है बहुत सारी सभी नौकरी सबका ख्वाब है गवर्नमेंट जॉब का लेकिन देश सेवा इनडायरेक्टली बात करें तो सभी कर रहे होते हैं वो पुलिस भी कर रही होती है और किसी डेस्क जॉब पे या कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा है तो देश की सेवा तो वो भी है लेकिन एक होती है देश की प्रत्यक्ष सेवा डायरेक्ट सर्विस तो तुम सब डायरेक्ट सर्विस में अपॉइंट होने जा रहे हो और डायरेक्ट सर्विस में अपॉइंट होने के लिए तो बड़ा पुराना स्लोगन है कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है खुश नसीब है वो फूल तो देश के तो आप वो काम आओगे मतलब प्रत्यक्ष रूप से खतरनाक आदमी तुम रहोगे ना लद्दाख गया तुम में से घूमने कोई लेह लद्दाख का जो रास्ता है उस पर एक स्लोगन लिखा हुआ है मतलब सेना की जो नौकरी है वो बड़ी टफ होती है ये तो पता है ना तुम्हें बड़ी डिसिप्लिन की बड़ी टफ नौकरी लेकिन वहाँ वो टफनेस कम क्यों लगती है क्योंकि इतना कठिन काम भी है अभी तो उठने में भी बड़ी मुश्किल थी पढ़ते टाइम तो ऐसा लगता था यार अभी आधा घंटा और सोने को मिल जाए एक घंटा और मिल जाए मजा आ जाए नहीं लगता था ऐसा कि किसी को ऐसा कोई है जैसा नहीं लगता था नहीं उठना ही है लगता ही है थोड़ा सा तो वहां एक लाइन लिखी हुई है बड़ी शानदार थी उस पर ये लिखा हुआ है कि जितना रोमांच तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम्हारे हिस्से में आता है उतना काम हमारा रोज का है तो वो आसान इसीलिए हो जाती है क्योंकि वहां रोमांच रोमांस मत समझे ना रोमांच समझते हो ना रोमांस जो रोमांस बोलते हैं क्या होता है रोमांस तो सर प्यार करना हो जाता है वैसे तो होता नहीं है सर पर वो अलग ही रिलेशन होता है रोमांस का और रोमांस सर एक अलग अपना प्लेटफॉर्म है जो एक प्रेरणा देता है कि हाँ रोमांस 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 प्रेरणा नहीं देता नहीं सर वो क्या प्रेरणा देता वो सब थोड़ी देर के लिए होता है बस वो इतनी घंटा हो जाए हुए चीजें थोड़ी देर और बहुत देर की बात नहीं है बात यह है कि जो रोमांच है दोनों सब एक जैसी है एक ही भाषा के एक ही अर्थ है हम अर्थ अलग अलग लगाते हैं बात एक ही तो उसका मीनिंग ये है कि भाई तुम कहीं तैनाती पर हो तुमने सुना भी होगा कि सियाचिन में -56 डिग्री पर किसी की पोस्टिंग है अभी 2-3 दिन पहले भी तुमने न्यूज सुनी होगी कि किसी की बॉडी 20 साल बाद मिली है तो मतलब लौट के आने की जो बात है कि भाई या तो आप सर्विस पूरी करके आओगे या काम आ जाओगे किसी भी तरीके से तो वो मतलब उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती आज भी आप देखते होंगे किसी शहीद का बॉडी आई आप शायद अपनी पूरी ड्यूटी भी करके आओगे ना
तो आप गौरवान्वित तो करोगे अपने बच्चों को, उनकी एजुकेशन करा दोगे, लेकिन आज भी तुम देखते हो कितनी भीड़ उमड़ती है, जो लोग नहीं जानते वो भी शामिल हो जाते हैं। नेशन सर्विस सबसे बड़ी चीज है, और बस नेशन सर्विस तो तुम्हें आई ही जाएगी जब तुम जाओगे, सिखा देंगे तुम्हें, नहीं तो नहीं करोगे तो मारपीट के सेट कर देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, सैल्यूट टू ऑल, आप सबका स्वागत है, जो लोग यहाँ आए हो थैंक यू भी है, बस अच्छे से आगे अपनी पढ़ाई कुछ करनी है किसी को तो करते रहना, हालांकि टफ है लेकिन लोग करते हैं, वर्स्ट कंडीशंस में भी करते हैं, क्योंकि अभी जब तुम यहाँ से जाओगे तब तक तो आसान जिंदगी थी, अब आगे जाके थोड़ी टफ होगी, तब तक भी टाइम निकालो, फिर टफ में से थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन टफ को हमेशा क्या सोचना है कि टफ मीन्स क्योंकि इसमें रोमांच है ना, और बाकी बॉर्डर पड़ोसी जज्बे से ऑफिस में रहो या कहीं भी रहो, मतलब काम एक ही है, अंतर नहीं है, कोई खाना भी बना रहा है वहाँ तो उसका काम भी वही है, या किसी के हाथ में इंसास AK-47 है तो उसका काम भी वही है, कोई काम में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते भाई इसका काम कम है या ज़्यादा है। लेकिन आप एक लाइन और बताओ, तुम्हारे बॉर्डर पर लिखी हुई भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर POK पर लगी हुई है कि हे भगवान मेरे दुश्मनों पर तुम दया करना क्योंकि हम तो करेंगे नहीं, तो बड़ी खतरनाक लाइन है ना, तो तुम देख लो ना अपने कर्तव्य करने से गए, लेकिन नेशन फर्स्ट है, अपने देश के लिए सबसे पहले है ना, ठीक है थैंक यू। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, अब आपके ऊपर परिवार की नहीं देश की जिम्मेदारी है, मैं अगर अपने कर्तव्यों से थोड़ा सा भी विमुख होता हूँ तो प्रभाव मेरे परिवार पे पड़ेगा, बस परिवार में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जरा सा भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए तो पूरे देश पर ही आ जाएगा, समझ रहे हैं? एक कहावत भी है कि सैनिक ही देश का मान है, सैनिक ही देश की शान है, और आप उस देश के फूल हैं यारो जिसका नाम हिंदुस्तान। सर मेरा चयन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में हुआ है। अच्छा आप तो मिठाई भी लेके आए थे ना? हाँ, हाँ, और सर मैंने जब सर ये अपना आदमी भी हो गया था तो मेरे को लगता था अब कैसे होगा क्या होगा, तो सर फिर मैंने तो फिर न्यूज आई कि एक AMC में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट है। जरूर सुनना चाहेंगे, देखो सारी नौकरियां बहुत बढ़िया है लेकिन चूंकि नर्सिंग असिस्टेंट में बड़ी वैकेंसी कम होती है, कितनी वैकेंसी थी आपके यहाँ? 7 वैकेंसी, केवल 7 वैकेंसी है, तो उनका सिलेक्शन लेना वाकई में कुछ ना कुछ तो अलग रणनीति रही होगी, तो उसको बच्चों के बीच में जरूर पहुंचाएं आप। जी सर, तो मैंने ये ठान ली थी कि नौकरी लेनी है तो परमानेंट ही लेनी है, तो सर मैंने कभी अपनी वीर का फॉर्म नहीं भरा, मेरे को भरना था नर्सिंग असिस्टेंट की नौकरी में टारगेट बना लिया था, तो पहली बार जब मैंने एग्जाम लिखा तो मैंने यूट्यूब से तैयारी की थी IWA के डिफेंस चैनल से, और मेरा उससे प्रैक्टिस सेट और मैराथन से मेरा काम बन गया था आराम से, बहुत अच्छे क्वेश्चन 43 आए थे मेरे, बट मैं फिजिकल में फेल हो गया था। 43 क्वेश्चन आए सर, बहुत बड़ा स्कोर था। और सर फिर अगली 2024 में पिछली बार फिजिकल फेल होने के बाद मैंने अपनी फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कर रखी और बेस्ट लिया था सर मैंने RWA से इस बार, और प्रैक्टिस सेट और हमारे मैराथन क्लासेस सब कुछ मैंने लिए थे, मैराथन क्लासेस भी सर ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी, बैच से ही काम बन जाता सारा। जी सर, और फिर उसके बाद सर मेरे इस बार लगभग 44 क्वेश्चन राइट थे नर्सिंग असिस्टेंट में, 50 में से 44 क्वेश्चन राइट है, वो बहुत बढ़िया जबरदस्त स्कोर है, वेरी गुड। जी सर, इसमें लॉन्ग रन नहीं होता है 5 किलोमीटर की? सही कह रहे हैं भाई, आपने भी करा दिया, 5 किलोमीटर की लॉन्ग रन है, उसके बाद मिनिमम टाइम 20 मिनट होता है, मिनिमम टाइम 20 मिनट जी सर, ठीक है, और 16 पुशअप होते हैं, हाँ, और सिटअप्स भी होते हैं, स्क्वाट्स भी होते हैं, शटल भी होता है। अच्छा, मतलब 5 मीटर का होता है, 17 टाइम करना होता है। ओके, तो जो नॉर्मल फिजिकल हो गया हमारा उससे थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें जो पास हो जाते हैं फिजिकल में उन सभी को ले लिया जाता है? नहीं सर, जो अच्छा जो उनमें से भी बेहतर होता है उनको लिया जाता है, वहां पे लिखा भी होता है वी सिलेक्ट द बेस्ट। वाह बहुत बढ़िया, बताइए प्लीज अपनी जर्नी। सर मेरे पापा एक बिजनेसमैन है जो कि हिमाचल में रहता है, जैसे घर का सारा काम यही करता हूँ,
ओके okay. उसके साथ जैसे कई दिन मेरे को रनिंग से भी छुट्टी लेनी पड़ती थी, घर का कुछ काम, कभी कुछ लाना है कभी कुछ करना है, तो ज्यादातर पापा का और भी काम था बिजनेस रिलेटेड, वो पानी बच्चे जैसे एक्सपोर्ट करता हमारा माल, तो सारा वो मैं ही करता था। तो उसके साथ साथ मैंने अपनी 2021 में मैंने तैयारी चालू की थी आर्मी की, जब मैं 11th क्लास में था। अच्छा। और 11th में मेडिकल थी, तो मैंने फिजिकल तो कर लिया था, मेरे को शौक था रनिंग वगैरह का, तो वो भी एक्सीलेंट में हुआ था, लेकिन पहले फिजिकल था लेकिन रिटर्न था। हाँ, पहले ऐसे ही हुआ करता था, तो फिजिकल ले लिया मेरा, फिर रिटर्न में मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरे 11th के पेपर थे, कुछ मैंने शुरू में शौक था तो मेडिकल ली थी कि डॉक्टर बनूंगा। अच्छा। हाँ तो हाँ, बचपन में तो सबकी बस दो ही चाहते होती है, फिर लड़कों भी चाहते हैं कि प्लेन उड़ाना हो और लड़कियों भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, तो हम छोटे होते यही चाहते होते हैं ना। हाँ सर, तो मेरा मेडिकल वगैरह सब हो गया था लेकिन मैं फाइनल मेरिट में रह गया था, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, मेरे को अच्छी गाइडेंस नहीं मिली थी। 2021 की बात करी। ओके। तो फिर मैंने उससे नेक्स्ट ईयर मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने सोचा कि इस बार नहीं हुआ, मेहनत की फिजिकल के लिए भी, फिर मैंने 2023 में किया ट्राई, तो अब की बार मेरे 47 क्वेश्चन ठीक थे सर, आपके बैच लिया था मैंने 47 क्वेश्चन। जी सर, वाकई आप स्टैंडिंग में बहुत बढ़िया, तो ताजा हो जाए 47 क्वेश्चन से उन्होंने बता के सुना के बड़ी बात है। जी सर, और फिजिकल भी मेरा अच्छा हुआ, पहले भी एक्सीडेंट मार के आया था, तो मेरे को किसी की कोचिंग की जरूरत नहीं, मैं खुद ही मतलब प्रैक्टिस की। हाँ, मेरे दोस्त थे स्टेडियम में फिजिकल के लिए बता रहे। जी ओके। तो मेरा मेडिकल भी हो गया, पहले भी मैं फिट था, तो अब की बार भी फिट था, तो मेरा फाइनल में नाम आया, तो फिर मैं जैसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा रहा था यार डॉक्टर, तो आ गया, तो उन्होंने कहा पैरा ऐसा का करना चाहोगे, मैं कहा हाँ जी करना चाहूंगा। अच्छा, कॉल आया था करा दूंगा। जी वो मेरा एक ड्रीम भी था जी, वो बैरेट क्या है ना, पर्पल कलर की भर्ती बहुत जगती है सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मेरा एक तरह से पूरा सपना आर्मी ने पूरा किया है, उसके लिए सर ऑलरेडी जिंदाबाद था और रहेगा। देखिए यार, ये जो शब्द होते हैं ना आपके, पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका सपना सिर्फ आप पूरा करते हो, आपकी मेहनत पूरा करती है, लेकिन जब कुछ ऐसे शब्द निकल के आते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर इस यात्रा में RWA का फोटो का 1% भी कोई सहयोग रहा हो, तो वाकई में हम अपने आप को बड़ा ही ये समझते हैं कि अपना जीवन सफल मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं मातृभूमि की सेवा में जा रहे हैं। मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि यार आपकी जो नौकरी है ना, वो सिर्फ सैलरी और पैसे की नहीं है, सैलरी और पैसे तो आपको किसी और नौकरी में भी मिल जाएंगे, लेकिन आप मतलब हो सकता है कि आपसे कम काम करने वाले लोग ज्यादा पैसा कमा लें, लेकिन आप जो सेवाएं देते हो शायद वो कोई और नहीं दे पाता है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू आपका, सभी आप सभी की मेहनत थी बहुत शानदार, जबरदस्त एक बार क्लैपिंग हो जाए, शानदार भाई जी। भारत माता की सजी बच्चे। मुझे लगता है कि शायद इनको इसमें सम्मान महसूस हो रहा होगा और होना भी चाहिए, लेकिन मैं अपनी भावनाएं बताऊं तो इनके बराबर है, इनसे कहीं ज्यादा सम्मान मुझे महसूस हो रहा है कि मैं एक जॉइनिंग लेटर पकड़ रहा हूँ, वो भी आर्मी का जॉइनिंग लेटर है, क्योंकि एक सपना होता है सिर्फ वर्दी पहनना। अगर मैं बताऊं तो मेरा भी कभी एक सपना था, मैंने भी SSB किया था आर्मी का, मैं ऑफिसर वाली लाइन में जाना चाहता था, बट वो पूरा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ मेरा भी सपना पूरा कर रहे हैं भाई, थैंक यू इसके लिए। नजर नजर में मिलना कमाल होता है, नकस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना तो कमाल है ही बच्चे, बुलंदियों पर टिका रहना कमाल होता है। एक बार जब जोरदार से भारत माता